जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही ठंड खत्म होकर गर्मी का समय आता है, वैसे ही दिन का तापमान बढ़ता जाता है और उसी बढ़ते हुए तापमान के साथ में फसल के अंदर बहुत सारे कीटों का भी अटैक होता है। यदि कीटों का अटैक होता है तो उसके साथ में आपका उत्पादन भी कम हो जाता है। यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो इन कीटों को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसे इंसेक्ट जो बढ़ते हुए तापमान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ दीपक पाटदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे सुनी फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर। सबसे पहले बात करेंगे नो इंसेक्टिसाइड के बारे में। जो सबसे पहले कुछ कीटों के बारे में फोकस करेंगे जो गर्मियों के मौसम में खासकर आते ही आते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें उनके बारे में बात करेंगे। जो अव्वल नंबर पर कीटनाशक काम करती हैं, सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के बारे में। इसके बारे में आपको भी पता होगा, जैसे ही दिन का टेम्परेचर बढ़ता है इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका प्रकोप तब तक दिखाई देगा जब तक टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, यानी बारिश का समय नहीं आता तब तक सफ़ेद मक्खी पत्तियों के नीचे रहती है। जब इसकी रोकथाम के ऊपर बात करें, यदि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप नहीं हुआ है और आप प्रिवेंटिव रूप में डालना चाहते हैं तो आप डाइफेंट्रन यानी पेगासस का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, पेगासस प्रिवेंटिव रूप में बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपकी फसल में बहुत ज़्यादा व्हाइट फ्लाई का प्रकोप है, यदि आपकी फसल के अंदर आप किसी अन्य कीटनाशक के साथ में देना चाहते हैं तो उलाला UPL कंपनी का आता है, जिसमें टेक्निकल आता है फ्लोनिकेमिड यानी 50% WG फॉर्म में आता है। तो आप उलाला यह व्हाइट फ्लाई के लाइफ साइकिल के ऊपर काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, व्हाइट फ्लाई आपका एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होगा, ये हेवी आपको स्प्रे शेड्यूल चलाने होंगे। किसी भी प्रकार यदि अटैक हो चुका है तो पहले आप उलाला का स्प्रे कर दीजिए, फिर थोड़े दिन का अंतराल रखकर पेगासस का स्प्रे कर दीजिए, 100% आपका व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कीटनाशक भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करेंगे, जो गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है वह रेड माइट। तो रेड माइट का प्रकोप तब देखने को मिलता है जब हमारी फसल के अंदर तनाव आ जाता है। अब तनाव किसी भी प्रकार से आ सकता है, यानी पानी के शॉर्टेज आने पर, यानी ट्रांसफॉर्मर मोटर जलने पर, या किसी भी वजह से आपकी फसल में पानी नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी फसल में पानी का तनाव बैठ जाता है और इसी पानी के तनाव के कारण आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई या रेड माइट बहुत तेजी से अटैक करता है। इसलिए अपनी फसल पर सही टाइम पर इरिगेशन करने से आपकी फसल सदमंद रहती है और इन कीटों का भी अटैक ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अब वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे कीट हो या चाहे रोग हो। अब बात करते हैं रेड माइट की रोकथाम के ऊपर। तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए सिंगल वाला थ्योरी, क्योंकि रेड माइट बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है, इसे अपनी फसल को बचा के रखना है। रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए सुबह के वक्त सल्फर से अपनी पत्तियों को अच्छे से कवरेज कर देना। क्या होता है, रेड माइट अपनी प्लांट की पत्तियों के नीचे रहता है, उसके ऊपर जाली का आवरण रहता है, उसी वजह से दवाई रेड माइट तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए रेड माइट जल्दी से कंट्रोल नहीं होती। रेड माइट को एक ही दिन में 80-90% तक कंट्रोल करना चाहते हो तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके को अप्लाई करके आपको क्या करना है, सुबह के वक्त 200 लीटर पानी लेना है, 100 ग्राम सल्फर लेना है और उसी के साथ में 500 ml दूध लेना है और पत्तियों के नीचे टारगेट कर उन जाली को तोड़ देना है। पानी के प्रेशर से जो सल्फर हैं वह रेड माइट के संपर्क में, अंडों के संपर्क में आते ही उन्हें खत्म कर देता है, जितना कॉन्टैक्ट एक्शन में आता है उतना। उसी दिन शाम को आपको क्या करना है, मिटिगेट का स्प्रे करें, जिस किसी प्रोडक्ट में फेनफ्लोक्सिमेट आता है उसका आपको स्प्रे करें शाम के टाइम, और फेनफ्लोक्सिमेट के साथ में प्रोफेक्स सुपर को भी मिला देना है। और ये स्प्रे करने के बाद 2-3 दिन बाद एक स्प्रे और करना है अबासिन का। अबासिन में टेक्निकल आता है अबामेक्टिन 1.9 SC। किसी भी कंपनी का अबामेक्टिन ले सकते हो, इससे कंट्रोल हो जाएगा उसके। तो इसके बाद में एक और इंसेक्ट का अटैक गर्मी में सबसे ज्यादा मिलीबग। तो मिलीबग का अटैक भी आप देखना, एक बार हो गया मिलीबग का अटैक तो थोड़ा इसका सिस्टम अलग है। मतलब मिलीबग आपको जहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई देता, जहाँ पर फसल के अंदर पानी दिया जाता है, यानी पानी के ऊपर पानी दिया जाता है, वहाँ क्या होता है, फसल के अंदर नाजुकपन आ जाता है और उस नाजुकपन के ऊपर ही मिलीबग का प्रकोप दिखाई देता है। आपको इस चीज़ का वेरीफाई करना है मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो आप जिस खेत में मिलीबग होता है उस खेत का पानी का शेड्यूल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मिलीबग का ज़्यादा अटैक आपकी फसल के स्टेम के ऊपर दिखाई देता है, यानी किसी फसल के स्टेम के ऊपर अटैक होता है तो स्टेम
तो मजबूत होती है। जहाँ तक स्टेम के अंदर हार्डनेस मजबूत रहता है तब तक मिलीबग ज़्यादा यानी उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाता है, लेकिन फसल में ज़्यादा पानी, ज़्यादा टॉनिक, ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण क्या होता है कि स्टेम में नाजुकपन आ जाता है और उसी कारण मिलीबग बढ़ता जाता है। यदि मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप एप्लोट लेना है जिसमें टेक्निकल आता है ब्रोफेजिन आता है, इसका आप को स्प्रे करना है। अगर मिलीबग कंट्रोल नहीं होता है तो आप दूसरे स्प्रे के अंदर प्रदान को ले सकते हैं जिसमें टेक्निकल आता है थाइमेथोक्सोन 25% WG, इससे कंट्रोल हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बाकी कंट्रोल हो जाता है, प्रदान मिलीबग के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव रूप में अगर आप मिलीबग का स्प्रे करना चाहते हैं जहां पर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रोफेक्स सुपर का यानी प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल आता है प्रोफेनो प्लस साइपर का टेक्निकल आता है, यह दोनों टेक्निकल मिलीबग के ऊपर बहुत शानदार काम करता है, यानी प्रिवेंटिव रूप में आप प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। अलावा एक और इंसेक्ट गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा अटैक देखने को मिलता है थ्रिप्स, तो वो येलो थ्रिप्स भी हो सकता है, ब्लैक थ्रिप्स भी हो सकता है, तो इसके ऊपर कौन से इंसेक्टिसाइड काम करते हैं। तो हमारी फसल में ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स दोनों का अटैक देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे अनुभव के आधार पर जो सबसे बढ़िया दवाई निकल के आती है उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी तो यहाँ पर BSF का एक्सोफोनस के साथ में आप प्रोफेक्स सुपर या प्रदान या प्रोक्लेन का स्प्रे करते हो तो थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, चाहे वो ब्लैक थ्रिप्स हो येलो थ्रिप्स हो। लेकिन एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो आपका ब्लैक थ्रिप्स होता है वो आपका एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है। तो ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप वॉच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में अपन ने बात करी कुछ कीटनाशक, कुछ इंसेक्ट के बारे में जो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।